हेलो दोस्तों, आर्यंस अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भूताहा कहानियां, रहस्यमय घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। वैभव, शशांक और अनुराग, ये तीनों दोस्त घूमने निकले थे एक ट्रिप पे। दिन भर वाटर स्पोर्ट्स के बाद चांद की रोशनी में आधी रात को बीच पे गाड़ी अपनी दौड़ा रहे थे और उनके चेहरों से लड़ती हवा समंदर की लहरों का शोर इतना था कि उन्हें और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। देर रात, वैसे तो इस तरह बीच पर ये सब कुछ अलाउड नहीं था, लेकिन छुपते छुपाते वो यहां तक पहुंचे थे। शोर शराबे और भीड़ वाले बीच के इलाके को अपने से करीबन 5-6 किलोमीटर पीछे छोड़कर तीनों दोस्त बस अपनी ही मस्ती में चीखे जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। लहरें आती और गाड़ी के टायर को छूकर चली जाती। गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते वो इतने दूर आ गए थे कि आसपास उनके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी अचानक गाड़ी की स्पीड धीमे धीमे धीमी होती गई और फिर नरम रेत में टायर धंस के गाड़ी वैभव चला रहा था। पलटकर उसने शशांक को इशारा किया तो शशांक उतरा और टायर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ देर के बाद एक आइडिया आया तो एक ईंट उठाकर लाया और फंसे हुए टायर के नीचे लगाया और एक बार फिर से उसने कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं। इतना सब कुछ देखने के बाद अनुराग भी उतरा और दोनों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तीनों दोस्तों की नजर पड़ी सामने से आती एक रोशनी पे। कोई टॉर्च लेकर उनकी तरफ चला आ रहा था। तीनों की सांस में सांस आई कि चलो कोई मदद मिल जाएगी। उसने भी आकर मदद करवानी चाहिए, लेकिन जब सब मिलके गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे तभी चांदनी उस रात में ज्वार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पानी चढ़ता जा रहा था और लहरें किसी दीवार के जैसी बड़ी होती जा रही थी। इन सारी मुश्किलातों के बीच अचानक एक बहुत बड़ी लहर उनकी गाड़ी से आकर टकराई और लगभग सबको डुबो दिया। गाड़ी का निकलना तो अब मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल था और वो टॉर्च वाला इंसान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लहरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और गाड़ी से बार बार टकरा रही थी। जब पाया कि अपनी जान बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है तो तीन भागते हुए चट्टानों पे चढ़ के दीवार पर चढ़ गए और वहां से अपनी आंखों से अपनी डूबती कार को उन्होंने देखा। चढ़ाती लहर के साथ किसी नाव की तरह डोलती और फिर डूब जाती। तीनों क्या करे या ना करे ये सोच ही रहे कि तभी एक आवाज उनके पीछे से आई। गाड़ी तो गई, कोई टॉर्च वाला तो नहीं मिला था ना? कहते हैं जिसने भी उसे देखा उसका कभी फिर पता नहीं चला। तीनों ने पलट के उस आदमी को ऐसे देखा जैसे बस इस अंधेरे में उसी का सहारा हो। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वरना खुद ही सोचिए, यहाँ समंदर किनारे इतनी रात गए, कौन सा सोना गड़ा है जो कोई टॉर्च लेकर चौकीदारी करेगा?
ये सब कुछ सुनने के बाद एक बार फिर पलट के वैभव, शशांक और अनुराग ने समंदर की तरफ देखा। लहरें उतनी बड़ी लेकिन उस टॉर्च वाले का कोई अता पता नहीं था। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी जब समंदर किनारे फंस गई तो उसे निकालने में एक इंसान ने मदद की, लेकिन ना ही गाड़ी बची और ना ही वो इंसान कहीं और दिखाई दिया। आती हुई ज्वार की लहरों में फंसकर गाड़ी तहस नहस हो गई। किनारे जब तीनों बैठे थे तो एक आदमी मदद के लिए उन्हें पास ही अपने घर लेकर गया, और उस घर में वो आदमी कभी कहीं दिखता तो कभी कहीं। आखिर में परेशान होकर तीनों दोस्त जब वहां से भागे तो अनुराग को कोई खींच कर कमरे के अंदर ले गया। जब वैभव और शशांक वापस वहां गए तो अनुराग ने एक अजीब सी आवाज में उनसे कहा, बाहर जंगली जानवर भरे हैं, जाओगे तो मर जाओगे, यहीं बैठो। वैभव के चिल्लाने पर जैसे अनुराग का सपना टूटा हो, आते हुए वो अपने होश में आया कि ठीक तभी एक लड़की अंदर के कमरे से निकली और उन तीनों को देखते ही उसने कहा, ओ जरूर आप लोगों की गाड़ी फंस गई होगी बीच में, पिताजी ले आए आपको यहाँ, घर नहीं मुसाफिर खाना बना रखा है इसे। अच्छा ये बताओ टॉर्च कहाँ है? उन तीनों ने टॉर्च के बारे में सुना और अब तो सोच ही लिया था कि चाहे जो हो जाए यहां से उन्हें भागना है। तीनों पूरी जान लगाकर भागे वहां से, और बाहर थोड़ा आगे जाते ही वो लड़की सामने से आती दिखी जो मुस्कुराते हुए उनसे कह रही थी, कहां भाग रहे हो? अरे जंगली जानवर भरे हैं, भूल गए? सुनो टॉर्च वापस ले जाना। तीनों ने सारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और बस दौड़ना जारी रखा, और आखिरकार पहुंच गए समंदर किनारे। समंदर के किनारे पहुंचकर देखा गाड़ी रेत में धंसी पड़ी है, पानी अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था और गाड़ी के अंदर से एक जलती हुई टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। कुछ ही देर के बाद में लहरों की आवाज के साथ चलते फिरते लोगों की आवाज आने लगी, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आने लगी। सुबह हो चुकी थी, अब डरने की कोई बात नहीं थी। तीनों दोस्त पूरी हिम्मत जुटाकर न जाने अपने किन सवालों का जवाब ढूंढने उस घर की तरफ निकल पड़े। सूखे पत्तों पर चलते हुए, जंगल के बीच से होते हुए उस घर के पास पहुंचकर अंदर देखा तो घर खाली पड़ा था। सामने दीवार पर उस आदमी की एक तस्वीर थी और वहां नीचे एक ड्रॉर था जो आधा खुला था, जिसमें से एक फूलों की माला आधी लटक रही थी। पूरे घर में देखा लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। तीनों वहां से निकलकर वापस जा ही रहे थे कि सामने से वही लड़की आती हुई दिखाई दी। तीनों के पैर ठिटक चुके थे, सोच ही रहे थे कि क्या करें कि तभी वो लड़की पास आई और बोली, टॉर्च नहीं लाए ना पापा की? और इतना कहते के साथ ही सविता की बेहोशी टूटी। अब तक जो कुछ भी हुआ उस घर में रहने वाली सविता का एक बुरा सपना था। आते हुए उसने देखा वो जंगल के बीचों बीच उसी घर में है जिसे इतनी देर से वो अपने सपने में देख रही थी। ये उसी का घर था और वो आदमी उसी के पिताजी थे। सविता की आवाज सुनकर उसके पिताजी भागे भागे कमरे में आए और उन्हें देखते ही उसने बाहर बैठे तीनों लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा
वो तीनों मर गए पापा, वो मर गए। उसके पिताजी ने पीछे उन तीनों लड़कों को देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, यही तीन तो तुझे बचा के बेहोशी की हालत में घर लेके आए थे। सविता ने पूरी बात बताई। नहीं पापा, इनकी गाड़ी फंस गई थी रेत में, निकालने में मैं मदद करने लगी तो एक बड़ी सी लहर आई और गाड़ी पलट गई, ये तीनों दब के मर गए। मैं किसी तरह बच के किनारे तक आई, उसके बाद कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी सी बीच पर फंस गई थी ज्वारभाटे की वजह से, वहां से उन्हें दूर हटना पड़ा। सविता उनकी मदद करने गई तो उसे चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। सविता की बेहोशी जब घर में टूटी तो उठते के साथ ही जैसे बौखला सी गई थी और बार बार कह रही थी कि उसके घर में मौजूद वैभव, शशांक और अनुराग तीनों इंसान नहीं है, वो तीनों मर चुके हैं। जब उसके पिताजी ने उसे शांत कराते हुए कहा कि वो तीनों ही उसे बचाकर यहां तक लाए हैं जब वो बेहोश थी, लेकिन उसके बावजूद सविता बार बार बस एक ही चीज कही जा रही थी, जिससे उसके पिताजी को थोड़ा शक हुआ। वो उन तीनों के पास गए और कहा, आप बैठिए, मैं चाय के लिए दूध लेके आता हूं। उन तीनों ने मुस्कुरा के सर हिला के हामी भरी पर कुछ बोले नहीं। दरवाजे से जब बाहर निकले तो वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, संभल के जाइएगा, बाहर जंगली जानवर बहुत हैं। सविता को घर में अकेला छोड़कर उसके पिताजी निकल तो पड़े थे, लेकिन घर पे बेटी की चिंता भी थी। वो काफी तेज कदमों के साथ अंधेरे में एक टॉर्च लेकर चले जा रहे थे। पहुंचते पहुंचते सुबह भी हो चुकी थी, लहरों की आवाज के साथ लोगों की चहल पहल, एक सायरन की आवाज भी आ रही थी। समंदर किनारे की दीवार पे पहुंचकर देखा कि ज्वारभाटे का पानी अब काफी दूर चला जा चुका था और वहां रेत में धंसी हुई एक गाड़ी के आसपास चारों ओर पुलिस वाले थे। सविता के पिताजी के देखते देखते ही उस गाड़ी में से पुलिस वालों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन लाशें निकाली। उनके कपड़े देख के दूर से ही सविता के पिताजी पहचान गए थे कि वो लाशें किसकी थी, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना चाहते थे। दीवार से नीचे उतर के उस गाड़ी के पास तक गए और भीड़ को एक एक करके चीरते हुए पास पहुंच के उन्होंने देखा तो वो लाशें वैभव, शशांक और अनुराग की ही थी। अब वहां रुकने के हर पल में घर पे अकेली सविता की चिंता उनकी बढ़ती जा रही थी। भागते भागते इसी तरह हाँफते हुए जब घर के अंदर गए तो देखा सविता तीन कप चाय रख के सामने बैठी हवाओं में किसी के साथ बात किए जा रही थी। उसके पिताजी ने कहा, सविता ये क्या कर रही हो? सुनकर सविता ने कहा, भैया आए हैं पिताजी, उन्हें चाय नहीं पिलाऊंगी क्या? अब ये हमारे पास ही रहेंगे, मैंने इनकी जान बचाने की कोशिश की थी ना, अब ये हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। नीता को उसकी ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी। सब कुछ तैयार करके जब वो नहाने के लिए गई तो ऑफिस की बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक कमरे में रखे स्पीकर्स फुल वॉल्यूम में बजने लगे। जल्दी जल्दी में नीता बाहर निकली, मां को आवाज देती हुई जब तक गई तो उसने देखा मां किचन में खाना बना रही थी। जब मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि शायद नीता ने ही म्यूजिक सिस्टम ऑन किया है। नीता कमरे में वापस आई, सिस्टम और रिमोट को चेक किया, सब कुछ ठीक था।
उसने म्यूजिक ऑफ किया और दोबारा नहाने चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद ऑफिस जाने के लिए उसने जो कपड़े निकाल कर रखे थे ये देखते ही वो चिल्ला पड़ी। उसके कपड़े जगह जगह से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें कैंची से काटा हो। चीख पुकार सुनकर नीता की मां दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और नीता को ऐसी हालत में देखकर एक पल के लिए तो वो भी घबरा गई थी। नीता ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने खुद भी देखा लेकिन देखते ही हंस पड़ी और प्यार से नीता को समझाने लगी कि वो ऐसे इतने दिनों से रात रात भर जाग जाग के काम कर रही थी और देर से आती है इसलिए थोड़ी परेशान है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ में हो रही हैं और ये भी कहा कि उसे आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि जिन कपड़ों को लेकर नीता चीखी थी वो बिल्कुल सही सलामत थे। नाश्ते की टेबल पर बैठ के मां ने नीता को चाय दी और वापस अंदर किचन में गई। नीता ने भी सोचा कि मां सही कह रही है। सोचते सोचते उसने देखा चाय का कप और प्लेट अपने आप कांपने लगे। नीता ने अपने हाथ को बढ़ाकर कप पकड़ा और उठाने गई तो उठा नहीं पाई, जैसे किसी ने कप को पकड़ रखा हो। नीता शायद चीख पड़ती लेकिन उससे पहले ही उसकी मां हॉल में आई और कप छूटकर नीता के हाथों में अचानक से आ गया। नीता तुरंत उठी और बिना खाए सीधे बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। मां पीछे से बस आवाज ही देती रह गई लेकिन नीता रुकी नहीं। लिफ्ट में नीता नीचे की ओर जा रही थी जब सेकंड फ्लोर से लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जा रही थी तो सामने द्विवेदी आंटी खड़ी थी जिन्हें देखते ही नीता चाह कर चीख नहीं पाई। द्विवेदी आंटी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो आंखें बंद करके बस लिफ्ट के दरवाजे को ही पकड़ी रही ताकि कोई उसे खोल न ले। नीता ने किसी तरह अपने आप को संभाला और जैसे ही नीचे पहुंची तो उसे याद आया कि उसने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया है। नीचे सिक्योरिटी की डेस्क से हरपी मां को फोन किया तो 2 रिंग के बाद में फोन उसके पिताजी ने उठाया और कहा बेटा मां तो नहा रही है, थोड़ी देर में फोन करो मैं बात करवाता हूं। नीता के पास इस वक्त कुछ नहीं था कहने को क्योंकि उसके पिताजी की मौत 4 महीने पहले हुई थी। नीता के कमरे का म्यूजिक सिस्टम अपने आप फुल वॉल्यूम में तब चला जब उसके कमरे में कोई नहीं था और उसके बाद उसके मां को तो नहीं लेकिन नीता को अपने रखे हुए कपड़े कटे और फटे हुए दिखे। चाय का कप अपने आप हिला और लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त 3 साल पहले गुजर चुकी द्विवेदी आंटी उसे लिफ्ट के बाहर दिखी और फिर 4 महीने पहले मर चुके उसके पिताजी ने फोन उठाकर उससे बात तक की। नीता को अब अपनी मां की चिंता हुई, वो भागी भागी वापस घर की ओर गई कि कहीं मां को कुछ ना हो जाए। घर वापस जाते वक्त अब दोबारा द्विवेदी आंटी उसे दिखाई नहीं दी। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर पहुंची तो देखा मां तो आराम से सर पे तौलिया बांधे किचन में काम कर रही थी। उसने मां को पूरी बात बताई तो उन्होंने नीता से कहा कि वो इतने दिनों से काम करे जा रही है, अब बस 3-4 दिन की छुट्टी उसे लेनी ही पड़ेगी। नीता ने सोचा कि सचमुच इस तरह से तो वो पागल ही हो जाएगी। उसने अपने बॉस को फोन किया तो बॉस का फोन स्विच ऑफ था। सोचा रिसेप्शन पे फोन करके फोन कनेक्ट करवा लूं।
रिसेप्शन पर गार्ड ने फोन उठा के नीता की आवाज सुनते ही कहा, मैडम कितनी बार फोन करेंगे, अरे कॉफी वहीं टेबल पे ही तो रखी है आपकी। नीता को लगा कि शायद वो कोई और समझकर ऐसे बात कर रहा है। उसने बताया कि वो नीता बोल रही है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे हाँ मैडम, आपकी आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? कॉफी रख के आए हम आप। नीता के लिए अब ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। वो तुरंत बिना कुछ बोले ऑफिस की ओर भागी। पूरे रास्ते अब तक की घटनाओं की बातें सोच सोच के वो पागल हो जा रही थी और इतनी ही देर में उसका ऑफिस भी आ गया। वहां पहुंचते के साथ ही वो अपने गार्ड पर चढ़ बैठी और कहा, क्या बकवास कर रही थी तुम? सिक्योरिटी गार्ड नीता को देखते ही रह गया और उसने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अरे मैडम आपका फोन आएगा तो क्या मैं इसे बदतमीजी से बात करूंगा आपसे? आपने यहाँ कोई फोन वोन नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए मैडम, आपने जरूर कोई गलत नंबर डायल किया होगा। नीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई अपनी सीट पर। पानी पीकर काम करेगी यही सोचा था उसने, लेकिन अपनी सीट पर बैठ के उसने देखा उसके कंप्यूटर पर अपने आप कुछ ना कुछ होता जा रहा था, उसके छुए बिना ही कुछ टाइप हो रहा था और वही चीज उसके कानों में भी कोई बोल रहा था। नीता चीख पाती तो शायद पूरी बिल्डिंग के शीशे फूट जाते, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक के रह गई। उसने अपने हाथ पैर मारकर चेक किया कि किसी ने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तो नहीं लिया है। नीता पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाई ऑफिस में, सारा दिन उसका खिटपिट में ही बीत गया। रात को जब घर लौटी तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट आई। लिफ्ट चली तो सही, लेकिन एक बार उसी फ्लोर पर जाकर रुकी जहां सुबह उसे द्विवेदी आंटी दिखी थी। लिफ्ट जब तक रुकी तब तक नीता की धड़कन 100 के पार चली गई थी। नीता की सांस में सांस दबाई जब उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप वापस बंद हुआ और लिफ्ट चल पड़ी। नीता को लगा जैसे लिफ्ट में कोई और भी है। पलट के देखा तो नीता चीख कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ठीक नीता के पीछे द्विवेदी आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। नीता के साथ एक ही दिन में इतना कुछ हो जाएगा उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 1 साल पहले गुजरी हुई द्विवेदी आंटी उसे बार बार दिखाई दी। घर में कपड़ों का कटार फटा हुआ दिखना, म्यूजिक का अपने आप चल पड़ना, चाय के कप और प्लेट का हिलना, इन सब के अलावा 4 महीने पहले गुजर चुके अपने पिताजी की आवाज फोन पर सुनाई देना और घर वापस लौटते वक्त द्विवेदी आंटी का लिफ्ट के अंदर उसे दिखाई देना। इस घटना के बाद नीता बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खोली तो वो अपने कमरे में ही अपने बिस्तर में थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसने सोचा कि उठकर थोड़ा पानी पी लूं। उठकर आधी बेहोशी सी हालत में काफी डरी डरी सी फ्रिज के सामने तक जाकर पानी की बोतल उसने निकाली और अभी तो घूंट पानी पिया ही होगा कि मां के कमरे से आती हुई आवाजों ने उसके ध्यान को खींचा। ध्यान से सुना तो समझ आया जैसे अंदर मां किसी से बात कर रही थी। दरवाजे के करीब गई और कान लगाया तो साफ साफ अपनी मां को अपने पिताजी से झगड़ते हुए सुना। मां रोते रोते कह रही थी, तुम इंसान हो या जानवर, मैं अगर मर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। नीता बस दरवाजे को खोलकर
अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसकी मां कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से निकली और कहा, अरे तू वहां क्या कर रही है? नीता एकदम अचानक से पलटी और उसने कहा, वही कर रही है जो मैं किया करता था जब तक जिंदा था, तब तक कुछ पता नहीं चला। तो उससे छुप छुप की बातें किया करती थी, लेकिन जिस रात शहर देकर तूने मुझे मारा ना, उसी दिन से सब जान लिया मैं। पर इसके बाद नीता कुछ और नहीं बोल पाई और वो फिर से बेहोशी की हालत में चली गई। उसकी मां ने किसी तरह उसे संभाला और पानी के छींटों से जगाया और फिर उसे अपने साथ अपने पास में ही सुलाया। नीता जैसे काफी गहरी नींद में थी। उसकी मां जैसे ही सोई, नीता की आंखें खुली। सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। न जाने नीता को क्या सूझी कि वो घर से तुरंत बाहर निकली, लिफ्ट में गई और फर्स्ट फ्लोर का उसने बटन दबाया। लिफ्ट वहां पहुंची तो बाहर निकल के देखा, द्विवेदी आंटी अपने फ्लैट के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठी है। उनके पास जाकर नीता ने कहा, आंटी आप तो जा चुकी हो ना, आप वापस क्यों आई हो? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हो? शायद इसीलिए आप मुझे बार बार दिखाई देती हो। वो मुस्कुराई और नीता के कानों के पास अपना चेहरा ले गई और एक नंबर उसे बोला। नीता को नंबर याद था, उसने तो इस नंबर को सुन रखा था। वो तुरंत वापस अपने घर की ओर भागी और पहुंचकर अपना मोबाइल निकाला तो देखा बिना चार्ज किए फोन ऑफ हो चुका था। घर का लैंड फोन डेड पड़ा था। उसने मां का मोबाइल उठाकर नंबर डायल किया तो घंटी जा रही थी। नीता के दिल की रफ्तार बढ़ती जा रही थी क्योंकि सुबह के इस वक्त जाने कौन होगा फोन की दूसरी तरफ। नीता बस फोन काटने ही वाली थी कि फोन उठा, उधर से एक आधी सोई आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? आप सीरियस रोमांस से स्विच किया तुमने? नीता की सुबह की शिफ्ट है क्या? नीता की निजी जिंदगी में उसका बहुत बुरा हाल था। उसने अपने मरे हुए पिताजी की आवाज सुनी और बिल्डिंग में ही गुजर चुकी द्विवेदी आंटी को बार बार देखा। नीता के अपने ही घर में कभी म्यूजिक अपने आप चलने लगता तो कभी चाय का कप हिलने लगता, कभी घर से ऑफिस में फोन करने पर ऑफिस वाले कहते कि वो तो इस वक्त ऑफिस में है, पर वहां पहुंचने पे ऑफिस के स्टाफ अपनी बातों से साफ साफ मुकर जाते। कुछ तो ऐसा था जो द्विवेदी आंटी शायद उसे बताना चाहती थी, इसलिए नीता उन्हें ढूंढते हुए डरती डरती सीढ़ियों पर पहुंची तो उन्होंने उसके कानों में एक नंबर बताया। नीता का फोन स्विच ऑफ था और घर का लैंड फोन डेड पड़ा था, इसलिए भोर के इस पहर उसने अपने मां के फोन से फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से फोन उठते के साथ ही एक आवाज आई। आज सुबह रोमांस कैसे सूझ गया तुम्हें? नीता की सुबह की शिफ्ट है क्या? नीता ने तुरंत अपना फोन काटा, देखा नंबर सेव था और वो किसी और का नहीं, त्रिवेदी अंकल का था। नीता की मां तकरीबन 2 घंटे के बाद जब सो के उठी तो नीता उनके सामने बैठी थी और घंटों से बस
रोए जा रही थी। उसकी मां ने बार बार पूछा लेकिन नीता कुछ नहीं बोली, बस रोती गई और रोती गई। आखिर में बस उसने एक सवाल पूछा कि उसके पिताजी कैसे मरे थे। नीता की मां समझ चुकी थी कि अब और नहीं बच सकती। कमल द्विवेदी और नीता की मां का अफेयर कॉलेज के वक्त भी था, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। शादी के बाद अलग अलग शहरों में भी थे, लेकिन तकरीबन 4 साल पहले जब कमल द्विवेदी का ट्रांसफर वापस इस शहर में हुआ तो उनकी बीवी की हालत और तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कुछ दिनों से, और इसी कारण उनकी मौत हुई। नीता की मां को कमल द्विवेदी के दोस्त के तौर पे ही उनके परिवार में सब जानते थे। नीता की मां और कमल द्विवेदी में करीबियां पड़ती रही, और फिर एक दिन सुबह नीता के पापा दुनिया में नहीं थे। दोनों ने मिलकर उन्हें जहर देके मार दिया था। इतने सालों का रिश्ता एक दूसरे बेनामी रिश्ते के लिए तोड़ दिया था। 3 दिन पहले नीता के पिताजी की जन्मतिथि थी। नीता अपना रोना नहीं रोक पा रही थी, सिर्फ एक ही दुआ मांगे जा रही थी कि एक बार फिर पापा को सामने ला दे कोई, उनसे पूछ तो सके कि आखिर क्यों अचानक चले गए थे वो। नीता ने तो सोचा था बस एक छोटे से सवाल का जवाब, लेकिन बदले में इतना घिनौना जवाब मिलेगा, वो भी अपनी मां की तरफ से, ये उसने नहीं सोचा था। आज की तारीख में नीता अकेली रहती है। उसकी मां ने उठने के कुछ देर बाद ही खुदकुशी कर ली थी। शायद थोड़ी शर्म तब भी बाकी थी उनमें। शायद सच ही कहते हैं कि इंसान की तरह उनके प्यार के भी कई चेहरे होते हैं। कुछ बड़े प्यारे, खूबसूरत और साफ, तो कुछ बहुत ही गंदे, घिनौने और डरावने। मेरा नाम विक्रम है। 12 फरवरी 1985 मेरी दादी गुजर गई थी। 12 फरवरी 1995 मेरी मां गुजर गई, और 12 फरवरी 2005 को मेरे पिताजी। सिर्फ मैं ही बचा हूं। आज 11 फरवरी 2015 है, तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। 3 घंटे के बाद तारीख भी बदल जाएगी और शुरू होंगे मेरे आखिरी 24 घंटे। मुझे याद है दादी की मौत के वक्त मैं तकरीबन 10 साल का था। मरने के 5 दिन पहले से उन्हें कभी मेन डोर के पास तो कभी घर के दरवाजे के पास कोई दिखता, जबकि उनकी नजर इतनी कमजोर थी कि सामने टेबल पर रखा खाना भी उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था। उनकी मौत के 3 दिन पहले मैं उनके साथ ही बैठा था। दादी मुझे रोज की तरह कहानियां सुना रही थी। कहानियां सुनाते सुनाते ही वो बीच बीच में कभी अचानक दरवाजे की ओर देखती, तो कभी ऐसे ही इधर उधर देखती, जैसे कोई हो जिसे देखकर वो परेशान हुए जा रही थी। कुछ देर ऐसे ही हुआ, फिर मैंने उठकर दरवाजे को बंद किया तो दादी को कहानी सुनाते सुनाते अचानक सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी और हांफते हांफते वो बेहोश हो गई। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और दादी ही थे। मैं उनको जगाने की कोशिश ही करता रहा लेकिन वो सोई नहीं थी, वो बेहोश थी। मैं दौड़कर पानी लेकर आया, पानी के छींटे आंखों पर मारे और दादी दादी करके चिल्लाया तो वो एकदम से जागी और बोलने लगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी।
मैं पूछता ही रह गया, कौन मार देगी दादी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, वो जो टेबल के पास खड़ी है वो मुझे मार डालेगी। मैंने इधर उधर देखा तो कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, दादी वहां कोई नहीं है। तो दादी मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा, देख वो टेबल पे रखा ग्लास अपने आप गिरेगा। मैंने उधर देखा तो टेबल पर पड़ा ग्लास वैसे का वैसे ही रखा था। मैंने कहा, दादी ग्लास तो टेबल पर है। मेरी बात खत्म होते के साथ ही एक आवाज सुन के मैं जब टेबल की तरफ वापस पलटा तो देखा वहां अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कांच की ग्लास सचमुच जमीन पर थी। मैं डर के वहां से भागा तो दादी के कमरे का दरवाजा मेरे पीछे से बंद हुआ। मां पापा के आने के बाद मैंने उन्हें बताया तो उन्हें लगा मैं शायद बच्चा हूं और मैं अकेले में डर गया था, पर मैं जानता था कि कुछ तो होने वाला है। दादी के कमरे से अगले दो दिन तक सिर्फ रोने की ही आवाजें आती रही। मुझे बुला के उन्होंने कहानियां भी नहीं सुनाई। तीसरे दिन रोने की आवाज दादी की नहीं, मां पापा की थी, क्योंकि दादी मर चुकी थी और उनकी लाश उसी टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई पड़ी थी जहां से वो ग्लास गिरा था। मैं जब 10 साल का था तो 12 फरवरी 1985 को मेरी दादी गुजर गई। 12 फरवरी 1995 को मेरी मां गुजरी और 12 फरवरी 2005 को पापा। आज 11 फरवरी 2015 है और सिर्फ मैं ही बचा हूं। दादी की मौत के वक्त उन्हें कोई दिखाई देता था, वो चीखती चिल्लाती थी कि कोई उन्हें मार देगा, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं देखा। मौत के 3 दिन पहले से वो रात भर रोती रहती और आखिर में एक सुबह उनकी नहीं बल्कि मां पापा के रोने की आवाजें सुन के मेरी नींद टूटी तो देखा दादी की सिकुड़ी हुई लाश उसी टेबल के नीचे पड़ी थी जहां उस रात को उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई खड़ा है जो उन्हें मार देगा। मैं सिर्फ 10 साल का था तब। जब तक 20 का हुआ जिंदगी को काफी करीब से समझ चुका था। इतना कुछ जिसने बचपन में देखा हो उसका बचपन खो ही जाता है। एक दिन कॉलेज से वापस आकर घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा रोज की तरह खोला नहीं। दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो सबसे पहले दादी का बंद कमरा पड़ता था जो आज खुला पड़ा था। मैंने कमरे में जो कुछ भी देखा मेरे हाथ से बैग छूट कर गिर गया। जिस टेबल के नीचे दादी की लाश मिली थी उसी टेबल के ठीक नीचे आज मेरी मां आकर के बैठी हुई थी। मैं एक दो बार मां को आवाज लगाई, मां मां मां, तो मां जैसे पत्थर बनी हुई थी। मैं डर गया था। मां के पास गया और मां को झकझोर कर जोर जोर से चिल्लाता रहा, मां मां। तो मां ने नजर उठाई और कहा, तेरी दादी ने मुझे सब बता दिया है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो हम सबको मार डालेगी। मेरी माँ ये एक ही लाइन बोलती जा रही थी, वो हमें छोड़ देती नहीं है और कुछ वो ही नहीं इस दुनिया में। मैंने माँ को कंधों से पकड़ा और उठाकर वहां से बाहर लाने की कोशिश करने लगा तो ऐसा लगा जैसे माँ का वजन दोगुना हो गया था। किसी तरह माँ को जैसे ही उस टेबल के नीचे से निकाला और लेकर कमरे के बाहर दरवाजे की ओर जाने लगा तो टेबल के ऊपर रखा ग्लास पता नहीं कैसे गिर के टूट गया। पर कैसे, हम तो इतनी दूर थे और घर में वहां पर उस वक्त और कोई भी नहीं था।
ग्लास के टूटते के साथ ही मां जैसे पागल सी हो गई थी। उन्होंने मुझे एक धक्का मारकर बाहर धकेल दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत पापा को ऑफिस में फोन किया, वो अगले 10 मिनटों में पापा भी घर आ गए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके चेहरे पर न डर था न गुस्सा न ही कुछ और, बर्फ के जैसा ठंडा था चेहरा उनका। उन्होंने बस इतना कहा, जा अंदर से अगरबत्तियां ले आ। मैं अगरबत्तियां लेकर आया तो देखा पापा फोन पे किसी से कह रहे थे, हाँ वो एसी वाली हो तो बेहतर होगा। उन्होंने फोन रखकर अलमारी से कफन के कपड़े को निकाला और मेरे हाथों पर ला रखा। पापा ने उन्हीं ठंडी आंखों से मुझे देखा और दबी हुई भारी सी आवाज में बोले, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूं, अंदर जो भी दिखे डरना मत। और उसके बाद पिताजी ने शोर शोर से मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। सचमुच मेरे पापा ने जो कहा था वो सही था, मैं आज तक नहीं भूला जो देखा था। मेरी मां सी टेबल के नीचे बैठी टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ऐसे चबा के खा रही थी जैसे वो कांच ना हो कोई खाने की चीज हो। मेरी मां का पूरा मुंह लहू लुहान था, मां हमें देख तो रही थी तो भी हंसते हुए, लेकिन उनकी आंखें रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मां नहीं कोई और हो। मां के एक हाथ में बड़ा सा कांच का टुकड़ा था जो जब तक पापा पहुंचते तब तक अपना काम कर चुका था। मां ने अपने गले की नस को कांच से चीर दिया था, खून का एक जोरदार फव्वारा सा छूटा। मां अगले 2 मिनटों में तड़प तड़प के मर गई। तारीख थी 12 फरवरी 1995। अंतिम संस्कार मेरे पिताजी ने ही किया और मुझे इन सबसे बहुत दूर रखा। हर 10 साल के बाद 12 फरवरी के दिन मेरे घर में एक मौत होती थी। 1985 में दादी, 1995 में मेरी मां और 2005 में मेरे पिताजी। आज 11 फरवरी और 12 फरवरी होने में बस कुछ 1 घंटे बाकी है, सिर्फ मैं ही बचाऊं। दादी की लाश उन्हीं के कमरे में रखे टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई मिली थी। उसी टेबल के कांच को तोड़ के खाते खाते एक टुकड़े से अपनी गर्दन की नस 10 साल के बाद यानी 1995 में मेरी मां ने काट ली। अंतिम संस्कार में पापा ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, मुझे इन सबसे काफी दूर रखा। मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था लेकिन पापा ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। 10 साल के बाद फरवरी 2005 आते आते न जाने क्यों एक अजीब सा डर मेरे अंदर समाने लगा। मैं खुद रह रह कर उस कमरे को चेक करता, हाथ को कभी हल्का सा खटका भी सुनाई देता तो पूरे घर की बत्तियां जला देता। महीने की 9 तारीख तक पापा बिल्कुल ठीक थे लेकिन रात के 12 बजते ही रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। पापा हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे। मैंने बहुत देर खटखटाया दरवाजे को और पापा को पुकारा भी, पापा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पापा, मैं बाहर निकल के गार्डन की खिड़की से अंदर झांका तो देखा पापा के कमरे में दादी के कमरे वाली वो टेबल पड़ी थी और वो उसी के ऊपर बैठे थे और हवा में किसी से बातें कर रहे थे, कभी हंसते तो कभी रोते लेकिन लगातार बोले जा रहे थे, मुझे माफ कर दो, तुमने सबको तो ले लिया,
मेरी माँ को ले लिया, रितु को भी ले लिया, मुझे कुछ हो गया तो विक्रम, विक्रम अकेला पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुस्सा जायज है लेकिन तुम्हारा हाल भी तो देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना तुम्हें। मैं बाहर से ही चिल्लाया, पापा, पापा। मैं चिल्लाने से जैसे मेरे पिताजी नींद से जागे हों, एकदम से इधर उधर देखते हुए वो टेबल से नीचे उतरे और जैसे उन्हें पता नहीं कि वो कहां बैठे थे। मैं वापस अंदर घर में आया तो देखा पिताजी गुनगुनाते हुए किचन में चाय बना रहे थे। उसके बाद सारी रात सब कुछ सही रहा। 11 फरवरी रात के 8 बजे थे। मैं पिछले 2 दिन से छुट्टी पे था, किसी भी हालत में मैं कुछ भी होने नहीं दे सकता था। मैं पूरे वक्त पिताजी के साथ ही था, उन्हें खाना खिलाकर मैंने उनके रूम में भेजा। सब ठीक ठाक करके मैं भी उन्हीं के कमरे में गया, आज वहीं सोना था मुझे। पिताजी उठकर बाथरूम में गए थे, मैं कुछ देर तो लेटा रहा लेकिन जब टाइम बहुत ज्यादा हुआ तो मैंने पापा को आवाज लगाई, पापा, पापा, पापा। बाथरूम के अंदर से पलटकर कोई आवाज नहीं आई, बस सिवाय फ्लश की आवाज और उसके बाद नल को बंद करने की आवाज। लेकिन दरवाजा खोल के पिताजी मेरे बाहर नहीं आए। मैंने अब दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और चिल्लाता गया लेकिन अंदर से पिताजी की कोई आवाज नहीं आई। मजबूरन मुझे दरवाजे को तोड़ना पड़ा। बाथरूम के अंदर घुसा तो देखा पूरे बाथरूम में एक ही लाइन दीवारों पर लिखी थी, रख दी मेरी दीद। और मेरे पिताजी बाथरूम में नहीं। मैंने देखा तो बाथरूम की खिड़की खुली पड़ी थी। तुरंत बाहर झांका तो देखा पिताजी गार्डन में एक कोने में बैठे पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहे थे। कमरे से निकलकर मैं धीमे धीमे उनके पास गया तो मुझे देखकर रोने लगे और एकदम से मुझे धक्का मार के दौड़ते दौड़ते गार्डन में एक जगह आकर खड़े हो गए और फिर रोते रोते ही अचानक हाथों से मिट्टी खोदने लगे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी उन्होंने, मुझे बार बार धक्के मार मार के दूर फेंक दे रहे थे वो। आखिर में जब थोड़ा गहरा गड्ढा हुआ तो उसी में लेट गए और बोलने लगे, और उसके बाद मेरे पिताजी ने पास ही पड़ी ईंट उठाई और अपने सर पे तब तक मारते रहे जब तक वहीं उनकी जान नहीं निकल गई। मैं विक्रम हूं। हर 10 साल पे 12 फरवरी के दिन मेरे घर पर एक मौत होती है, डरावनी मौत। पहले दादी, फिर माँ और उसके बाद पापा। आज 11 फरवरी है, 9 बजने में बस कुछ 2.5 घंटे ही बाकी हैं। पता नहीं मेरे लिए क्या है, मैंने परेशानियों में उलझा हुआ कब से 3 रातों से सोया नहीं था। पता नहीं कब आंख लग गई, अचानक जब आंख खोली तो नीचे चहल पहल सी सुनाई दे रही थी। काफी लोग आए हुए थे, करीबन सारे ही रिश्तेदार दिख रहे थे बाहर, लेकिन कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी मातम में आए थे लेकिन कोई रो नहीं रहा था, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं ऊपर अपने कमरे से उतर के उनके बीच से होता हुआ उतर गया लेकिन सब अपने आप में ही इतने मस्त थे कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं। सब लोग बातें कर रहे थे,
लेकिन मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा तो देखा दादी, माँ और पिताजी हॉल के बीचों बीच बैठे एक एक करके सबसे बातें कर रहे हैं, और अभी तक जो मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। अचानक सबकी मुस्कुराहट बंद हो गई, सबकी आंखें मेरी ओर घूम गई थी और धीरे धीरे सब मेरे करीब आने लगे और मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनकी उस भीड़ को चीर कर दादी, माँ और पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आज तेरी बारी है बच्चा, मुश्किल है। मैं जैसे आसमान से गिरा था, मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। वक्त 9:40 का था। मैं कान खड़े करके बैठा था, कमरे में सुई भी गिरती तो सुन लेता मैं, लेकिन जो आवाज मैंने सुनी वो सुई के गिरने से कहीं ज्यादा थी। इसी टेबल का ड्रॉर खुल और बंद हो रहा था। मैं ढूंढता ढूंढता बाहर निकला तो सुना आवाज दादी के कमरे से ही आ रही थी। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं डर रहा था कि पता नहीं आज की रात मैं कैसे मरूंगा। कमरे का दरवाजा धीमे से खोला तो देखा कमरा जैसे अभी 10 मिनट पहले किसी ने साफ किया हो। पूरे कमरे में दादी जो अगरबत्ती जलाती थी उसकी महक भरी पड़ी थी। कमरे की लाइट जल रही थी और वो टेबल जिसके नीचे दादी की लाश मिली थी उसका ड्रॉर खुला था। वहां एक डायरी पड़ी थी, उठाकर डायरी पढ़ी तो पता चला जिसको मैं आज तक मां कहता था वो दरअसल मेरे पापा की दूसरी बीवी थी, यानी मेरी सौतेली मां। डायरी पढ़ के पता चला कि मेरी मां तो मुझे जन्म देने के 1 महीने बाद ही गुजर गई थी, क्योंकि मेरी मां उसी हॉस्पिटल में नर्स थी जहां मैं पैदा हुआ था, और दादी ने दहेज के लालच में पिताजी को खानदान का वारिस मिलने के बाद मां से अलग करवा के पापा की दूसरी शादी करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे आज पता चला कि मेरी असली मां को ऐसा जहर दिया गया था जिसे पानी की कमी से इंसान मर जाता है। मां के हाथ पैर बांध के उसी टेबल से उन्हें बांध दिया गया था। कुछ ही घंटों में मां गुजर गए। इस वक्त मुझे भी एक औरत टेबल के सामने खड़ी दिखाई दे रही है, पर वो मुझे देखकर रो रही है, मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही। शायद मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी मां को तकलीफ दी थी उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। कहते हैं कि बनारस से कुछ दूरी पर बना चुनार का किला रातों रात भूतों ने बनाया था। शाम 5 बजे के बाद किले के आसपास भी भटकना मना है, और दो और दिन के उजाले में भी वहां एक दीवार के पार जाना मना है। वहां किले के अंदर एक कुआं भी है जहां किसी जमाने में उतर के वहां की रानी नहाया करती थी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने खंडहरों में से एक ये चुनार का किला 56 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा के किनारे बने इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्मित को फोटोग्राफी और पुराने खंडहरों का शौक था, इसके बारे में सुनते ही वहां जाने को मचल उठा। टिकट्स वगैरह करवा के बनारस पहुंचा।
और फिर वहां से चुनार। वहां पहले तो नाव से पूरे किले की बहुत सारी उसने तस्वीरें ली और फिर उसके बाद पहुंचा किले के अंदर। अश्मित के हाथ जैसे कोई खजाना लग गया था। इतनी खुशी शायद ही किसी और चीज से मिली थी उसे। किले के अंदर ही बने हुए एक खंडहर के अंदर फोटोज क्लिक करते वक्त अश्मित ने महसूस किया कि कैसे वहां की छत पे बड़ी ही अलग किस्म की नक्काशी थी। उसने लाइट चेक की और एक कोने से छत की तस्वीरें लेने लगा। तीन चार तस्वीरें ही ली थी उसने कि तभी अचानक एक पानी की बूंद उसके कैमरे के लेंस पर आकर गिरी। तुरंत ही अश्मित ने लेंस को खोला और कपड़ा निकाल के साइड में बैठकर उस पानी की बूंद को पहुंचने लगा कि ठीक तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे आया और उसके ठीक पास आकर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त उसे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अश्मित तुरंत वहां से उठ के खड़ा ही हुआ था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हाथ पे इतनी जोर से चोट लगी थी कि कैमरा छिटक के दूर जा गिरा। अश्मित ने उठकर अपने कपड़ों पर से धूल मिट्टी झाड़ी और कैमरा उठा के देखा। इतनी जोर से गिरने के बावजूद कैमरे या उसके लेंस पर एक खरोंच का निशान नहीं था। उसे राहत की सांस मिली लेकिन फिर भी लेंस का हाल चेक करने के लिए उसने एक बार लेंस कैमरे में लगाकर देखा तो सामने उसी जगह एक कोने में एक लड़की खड़ी मुस्कुराते हुए इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। कुछ अजीब से कपड़े पहने थे लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आज तक अश्मित ने नहीं देखी थी। लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अश्मित ने बिना कैमरे के उस तरफ देखा तो वहां कोई भी लड़की नहीं थी। उसने दोबारा कैमरे के लेंस में से देखा तो लड़की वहीं पर खड़ी अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अश्मित को पता नहीं क्या सूझा, वो धीमे धीमे उस जगह की तरफ चलने लगा जहां वो लड़की लेंस के जरिए दिखाई दे रही थी। उस जगह से तकरीबन चार कदम ही दूर होगा अश्मित जब उसके कानों में पीछे से किसी ने धीमे से कहा, अश्मित जब चुनार के किले में फोटो खींचने पहुंचा तो उसे अपने कैमरे के लेंस से एक बेहद खूबसूरत सी लड़की दिखी जो कि मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। पर कैमरा हटाने पर वो लड़की दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब दोबारा कैमरे से देखा तो वो लड़की वहीं पर दिखाई दी जहां पर वो पहले खड़ी थी। तब एक कदमों के साथ जब अश्मित वहां पहुंचा तो उसके कानों में पीछे से किसी ने कहा, ये चुनार के किले का वही कुआं था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी जमाने में रानी उसमें उतर के नहाती थी और दासियां और सिपाही उस कुएं को घेर कर खड़े रहते थे। कुएं के पास की मिट्टी का रंग थोड़ा अलग था, बिल्कुल लाल। अश्मित जब उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा तो कुएं से कुछ
50 कदम दूर रहा होगा, जब अचानक कानों में हवा की आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगी। अश्मित ने एक कदम आगे रखा तो एक आवाज आई। अश्मित ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अश्मित के हर कदम के साथ यही आवाज हो रही थी, जैसे कोई उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कुएं के अंदर कूद रहा। अश्मित ने कुएं की तरफ दौड़ना शुरू किया तो कदमों की रफ्तार के साथ साथ पानी की आवाज भी तेज होती गई और कुएं के पास पहुंचकर जब अंदर झांका अश्मित ने तो अब ना हवा की आवाज थी ना कुएं के पानी की आवाज थी, तो सिर्फ अश्मित के हांफने की और उसकी तेज धड़कनों की। कुएं का पानी इतना शांत था जैसे जमानों से उसमें कुछ गिरना तो दूर, शायद उन्हें भी छुआ नहीं था उस पानी को। अश्मित ने पता नहीं क्या सोचकर एक पत्थर उठाया और डरते डरते उसे कुएं के ऊपर से ही छोड़ दिया। पत्थर जैसे जैसे पानी की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ रहा था, अश्मित पता नहीं क्यों घबरा रहा था, पर पत्थर पानी को छुए ठीक उससे पहले ही पानी के अंदर से एक हाथ निकला, पत्थर को अपने हाथों में दबोच कर अंदर चला गया। अश्मित के लिए इतना सब शायद कम था, उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और कैमरे के लेंस से कुएं के अंदर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी। पानी से ठीक थोड़ी सी ऊपर दीवार पे मुस्कुराती हुई अश्मित को इशारे से बुला रही थी। अश्मित की आंखें चौड़ी हुई और वो कुछ भी करता इसके पहले ही उसे किसी ने इतनी जोर का धक्का दिया कि वो सीधा कुएं के पानी में जाके गिरा। अश्मित खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगा, लाख कोशिशें करके भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अश्मित का दम घुटे जा रहा था और वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आते जा रही थी। उसने अपना हाथ अश्मित की ओर बढ़ाया ही था कि अश्मित की आंख खुली। आंख खोलने के बाद उसने देखा कि वो कुएं के अंदर नहीं, उसी खंडहर के कमरे में पड़ा हुआ था जहां पहली बार उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया था। अश्मित जब चुनार के किले में फोटो खींचने पहुंचा तो उसे अपने कैमरे के लेंस से एक बेहद खूबसूरत सी लड़की दिखी जो कि मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। और कैमरा हटाने पर वो लड़की दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब अश्मित उस किले के कुएं के पास गया तो उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कुएं में कुछ गिरने की आवाज आती रही, लेकिन कुएं का पानी एकदम शांत था। उसी कुएं के अंदर अश्मित को फिर से वो लड़की दिखी और तभी किसी ने कुएं के अंदर अश्मित को धक्का दे दिया। छटपटाते हुए जब उसकी आंख खोली तो वो किले के उसी हिस्से में था जहां थोड़ी देर पहले वो गिरा था। उसने खैर मनाई कि ये सब कुछ बस एक सपना था और उठकर हाथ पैर की धूल झाड़ के कैमरा उठाने गया तो अश्मित को समझ आया कि चोट इतनी ज्यादा लगी थी
कि हाथों की कोहनियों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। अश्मित ने नीचे अपने पैरों की ओर देखा तो कुएं के पास वाली लाल मिट्टी से उसके जूते अभी भी सने हुए थे। पता नहीं क्या सूझी उसे कि कैमरा उठा के पहले उसने वापस उसी तरफ देखा जहां सपने में वो लड़की उसे दिखाई दी थी। वहां कोई नहीं था। डरते डरते धीमे हाथों से उसी तरफ देखते देखते अश्मित ने कैमरे को अपनी आंख से लगाया तो उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं जैसे घंटों दौड़ के रुका हो। वहां सचमुच वही लड़की दिखाई दे रही थी जो शायद उसके सपने में उसे दिखाई दी थी। वैसी ही मुस्कुराहट लिए अश्मित को अपने पास बुलाती हुई। अश्मित का बदन डर से ठंडा पड़ गया था। उसे पता था कि उसे करना क्या है। सपने में उसने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए थे लेकिन इस बार कदम उसने पीछे खींचे और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। जैसे जैसे अश्मित के कदम वहां से बाहर जाने को हो रहे थे वैसे वैसे ही वैसी ही आवाज हुई जैसे सपने में उसने सुनी थी। तभी सपने में हुए हादसे को याद करके अचानक ही अश्मित रुक गया। उसने देखा कि दो तीन लोग इधर उधर से बातें करते हुए किले को देखते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे। अकेला होता तो शायद वहां न जाता लेकिन उन लोगों के साथ चलते हुए उसे काफी हिम्मत मिल रही थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए अश्मित कुएं तक गया। उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो अश्मित ने भी एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर कुएं के अंदर देखा। अश्मित सोच ही रहा था ये सब कुछ शायद उसका वहम ही रहा होगा कि तभी उसे किसी ने कहा जिनके साथ चलता चलता हुआ यहां तक आया था। उन सब ने पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले कपड़े पहने हुए थे। अश्मित को अब सिर्फ बचना था। जिंदा रहने का ख्याल ही उसे बार बार आ रहा था। वहां से इतनी तेजी से वो भागा और भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कई लोग घोड़ों पे उसका पीछा कर रहे हों। अश्मित जितना हो सके उतना तेज भागे जा रहा था। कुएं से दूर उसी छत वाले खंडर को पार करके आगे निकला। उसे एक पल को अपने पीछे पलट के देखा तो न जाने सामने किस चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने होश संभाला और झटके से उठ के देखा तो जमीन बिल्कुल सपाट थी। किसी भी चीज से टकराने का सवाल ही नहीं था। जितनी भी आवाजें अभी तक आ रही थी वो सब शांत हो गई थी। दूर दूर तक पसरा एक सन्नाटा सा था। और तभी अश्मित ने नीचे जमीन पर देखा तो कुछ परछाइयां थी जो उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। और तभी हवा की आवाज बेहद तेज होती जा रही थी। अश्मित चुनार के किले में फोटोग्राफी करने क्या चला गया। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी में डर के मायने बदल गए। पहले एक लड़की का सपने में दिखाई देना और फिर सचमुच उसका अपनी आंखों के सामने मौजूद होना, लोगों के कपड़ों का अचानक से बदल जाना और सच झूठ इंसान और परछाइयों में फर्क भूल जाना, सब कुछ हो रहा था अश्मित के साथ। अश्मित भागते वक्त किसी चीज से टकरा के गिरा। उठ के देखा तो
कुछ भी ऐसा नहीं था वहां जिससे वो टकरा कर गिर सकता था, लेकिन ध्यान दिया तो कुछ परछाइयां जमीन पर तो दिख रही थी और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अश्मित ने पूरी जान लगा के वहां से भागना शुरू किया और आते जाते दूसरे टूरिस्ट से आंखें बचाता हुआ सीधा किले के बाहर ही जाके सांस ली। अब पीछे पलट के देखने का भी सवाल नहीं था। अश्मित ने तुरंत वहां से गाड़ी पकड़ी और सीधे अपने होटल के सामने आके रुका। चारों तरफ देखते देखते धीरे धीरे अश्मित अपने कमरे में गया। कैमरा टेबल पर रख के कुछ देर अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो क्या हुआ। अश्मित बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए नहाने चला गया। नहा के जब दिमाग ठंडा हुआ तो बाहर निकल के सर पहुंचते पहुंचते ऐसे ही आईने पर नजर गई तो देखा उसके कमरे में उसके ठीक पीछे उस किले से मीलों दूर टेबल पे रखे कैमरा के पास में वही किले वाली लड़की खड़ी थी। अश्मित रुआसी आंखें लिए डरते डरते पलटा तो इस बार शीशे और कैमरे की जरूरत नहीं थी, वो लड़की सचमुच सामने उसे दिख रही थी और इस बार उसने बिना मुस्कुराए ऐसी ही धीमी सी आवाज में कहा, और इतना कह के वो हवा में कहीं समा गई। दिन दहाड़े अश्मित की आंखों के सामने से वो गायब हो गई। अश्मित को कुछ देर तक तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। फिर जैसे जिंदगी से हार के एक बोझ की तरह बैठ गया और तभी अचानक उसे कुछ हुआ। उसने अपना कैमरा उठाया और खींची हुई तस्वीरों को एक एक करके देखने लगा। कई सारी तस्वीरों के बाद उसने एक तस्वीर देखी जिसपे उसकी आंखें ठिठक गईं। एक बोर्ड लगा था उस तस्वीर में जिस पर लिखा था, कृपया यहां तस्वीरें ना खींचे, और ठीक उसी बोर्ड के नीचे वो परछाइयां भी थी जो कि अश्मित का पीछा किले में कर रही थी। अश्मित ने तुरंत सारी तस्वीरों को एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया और सारी फोटोज डिलीट करने के बाद एक आखिरी फोटो देख के अश्मित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आखिरी तस्वीर में अश्मित उसी कमरे के बाथरूम में मरा पड़ा था और खून पूरे बाथरूम में फैला हुआ था। अश्मित तुरंत उठकर कपड़े पहन के भागने को हुआ तो उसके पैरों को किसी ने पकड़ के जोर से बाथरूम में खींच लिया। अश्मित चीखता गया और बाथरूम में खींचता गया। कुछ देर तक बाथरूम का दरवाजा पकड़ के खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन एक जोर के झटके के साथ अश्मित बाथरूम के अंदर पूरी तरह चला गया और दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। कुछ देर तक रोने गिड़गिड़ाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन बस कुछ ही देर तक। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली बार किसी तस्वीर को खींचने से पहले अगल बगल में लगे हुए बोर्ड को जरूर देख लें।